एंड आज मैं अपने भाई की बारात के लिए तैयार हुई हूँ। वाले रोटी खाने, रोटी सामने मिल गई है, मेरी रोटी बिल्कुल सामने लेके बैठे हैं। दूर हो गया, कुछ मिले ना मिले, रोटी मिलेगी इधर। हम देख के कुछ बोल नहीं रहे, एक जा रहा पूरा को एक पक्ष पहले जाना ना, वो टाइम लगा के जा रही है, चलो भागो। हम लोग बहुत लेट हो रहे हैं एंड यहाँ पे अभी हम लोगों की फोटोज ही नहीं खत्म हो रही। मामा यहाँ पे बेचारे इंतजार कर रही है। बाबा ने भी बता दिया इस वक्त बाबा मर जा रहे हैं, और ये बाबा का आउटफिट है। बस यहाँ पे पार्टीशन है तो यहाँ पे हम बिलाल को यहाँ पे मिलने आया। बाहर चाय खाते हैं। स्टेज जाके बैठ जाओ, एक्सचेंज कर रहे हैं एंड इन सबको चलना भूल गए। चलना नहीं है, वो के जी जी जान मेरी अभी इस काम पे लगा दिया। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। एंड आज मैं अपने भाई की बारात के लिए तैयार हुई हूँ, अहमद भाई की बारात के लिए, बिलाल की नहीं। सो अभी बस मैं बारात के लिए तैयार हो गई हूँ। अभी बस मैंने मामा को बुलाया एंड मामा मुझे नज़र आ रही हैं आती आती। सो मामा को बुलाया, मामा का मेकअप करते हैं एंड अभी तो मैं बहुत लेट हो गई हूँ। सो आज का व्लॉग हम यहीं से स्टार्ट करते हैं एंड मेरा प्रोफेसर साहब पता नहीं क्यों ग्लासेस लगा के आ गए। ये मेकअप नहीं करवाने, ये शायद यहाँ पर मुझे पढ़ाने आए हैं। सो मामा तैयार है, आज जो मामा का मेकअप करते हैं। A few moments later. तो गाइस अभी हम अपने पुराने वाले क्लाइंट का मेकअप कर रहे हैं। ये क्लाइंट डेली मेरे पास आ जाता है। इन दीदी के लाइनर का कभी मैं रिस्क लेती नहीं हूँ, बट ये स्टिल जब मुझे कहती है ना कि लाइनर लगाओ, तब फिर ये ऐसे कर रही होती है। चेक करे जरा, अब अपना लाइनर अपना लाइनर खुद ही ठीक कर रही है। मैंने कहा था ना मामा कैमरा देख के कुछ बोल नहीं रही। एक जा रहा पूरा को एक पक्षी का। इनका लाइनर इसलिए नहीं मैं लगाती, देखो खुद का मैं बहुत अच्छा लगा लेती हूँ, मामा की बार लगता ही नहीं है, क्या करे। मैम जेन्युइन नहीं लगता आपका, सही तो और क्या, एक जी एक नीचे की तरफ गया हुआ एक ऊपर की तरफ। अभी बस मुझे बाल भी बनवाने जा रहे। ठीक है, अपना लाइनर खुद लगाया करे। सो गाइस मैंने मामा का मेकअप कर दिया, अपना तो मैंने कर ही लिया था, अभी बस मैं अपना सामान पकड़ने लगी हूँ एंड नीचे जाने लगी हूँ, क्योंकि आज हम लोगों को जल्दी जाना है। आज बारात जो है वो गुजरांवाले जानी है। सो हम लोग बराती हैं, ऑब्वियसली बात है, मेरे भाई की शादी है। तो अंकल ने बोला था कि हम लोग यहाँ से लाइक 6 बजे निकलेंगे, तो वहाँ पर बारात यू नो फिर उसी हिसाब से पहुँचेगी। लाहौर से बारात गुजरांवाले जा रही है, तो इसलिए आज हमें थोड़ा सा जल्दी निकलना पड़ेगा। अभी बस मैं तैयार हो गया, अभी मैं अपनी चीज़ें पकड़ने एंड नीचे जाती हूँ एंड देन मुझे बाल भी बनवाने जाना है। सो लेट्स गो। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर गाइस मैं नीचे आ गई हूँ एंड नीचे अभी तक ये लोग तैयार ही नहीं है, बस मेरी बड़ी दीदी जो है ना वो यहाँ पे तैयार बैठी है। सो दीदी आपके कपड़े कहाँ हैं? वो अभी रखे हुए हैं थोड़ी देर बाद, क्योंकि मैं कितनी देर। तो मैरू के जो कपड़े हैं वो अभी इसने पहने नहीं है, ये अभी ऊपर से अपना यहाँ पे मामा चेक करे, बाकी का मेकअप आके नीचे करी, जस्ट उसमें मस्कारा आता है, वैसे सारा मेकअप मामा का मैं कर चुकी हूँ। मस्कारा, लिपस्टिक, लाइनर, लाइनर लगा के दिया यार इनको मैंने, लाइनर लगा के दिया, ठीक है कहती है ये कैसा लाइनर है। एंड मुस्कान के रूम में हमने बहुत गंद डाला हुआ है, कोई बात नहीं, शादी वाले घरों में ऐसे ही होता है। चुचू इधर से दिखाएं आप। सो चलो बहुत जल्दी मैं अभी हम बाबा के साथ जाएंगे। चलो जिन्हें दियो दी है साड़ी भी उन्हें दी है। तो गाइस मैंने हेयर स्टाइल बनवा ली है एंड यहाँ पे चुच्चू ने भी अपना हेयर स्टाइल बना लिया, मामा का भी बन गया, अभी बस हम लोग घर जा रहे हैं। हेलो जी, आई एम बैक होम। चुच्चू बेबी एंड मेरी बेबे, यार अंदर कोई दरवाज़ा ही नहीं खोल रहा, खोल दो खोल दो। वो बाबा है नहीं है। टू आवर्स लेटर गाइस दिस इज माय आउटफिट फॉर टुडे एंड ये रही मेरी बारात की लुक, ठीक है। सो आज की मेरी लुक कुछ ऐसी है
एंड ये लोग अभी तक तैयार ही नहीं हुए। बिलाल ने कपड़े पहन लिए, बिलाल भी तैयार है, मामा मैरू एंड मुस्कान अभी थोड़े बहुत जो आखिरी जाने से पहले काम होते हैं ना वो कर रहे हैं। सो चलो लेट मी शो यू गाइस बिलाल की लुक। ओह माय गॉड लुक हूज हियर। सो बिलाल का बारात का आउटफिट कुछ ऐसा है। एंड वाओ बिलाल तुम तो बड़े प्यारे लग रहे हो। बिलाल और मैं तो लाइक मैचिंग मैचिंग कर लेते हैं डेली डेली। नाइस। गाइस यहाँ पे मैं चुचू का इंतजार कर रही हूँ कि चुचू आके मेरी फोटोज क्लिक करते हैं। मेरे पास यहाँ पे कोई भी नहीं है मेरी फोटोज क्लिक करने के लिए। डोंट नो व्हाट टू डू। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर गाइस ये रही चुचू की फुल लुक। ओह माय गॉड वाओ कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह। अब ये फोटोज क्लिक करवाने बैठ गई है। बाबा ने भी बता दिया इस वक्त बाबा बाहर जा रहे हैं और ये बाबा का आउटफिट है। तैयार हैं क्या समझे ये ना समझे जो आपको ये अपना लाइक किया है जा रहे हैं हमें किसी चीज की अल्लाह ने हमें बहुत कुछ दिया हुआ है। यहाँ पे बिलाल भी तैयार हो गया। मैं तो पहले ही तैयार हो गई थी, मेकअप मेरा हो गया हुआ था, बाल भी बनवा लिए हैं। अब बस यहाँ पे फोटोज वगैरह क्लिक करेंगे लास्ट एंड चलेंगे। एंड ये देखिए ओह माय गॉड दीदी वाओ कितनी प्यारी लग रही हो यार। मैरू ने अपना हेयर स्टाइल खुद बनाया है। मैरू ने आज अपना हेयर स्टाइल खुद ही बनाया है। ओह माय गॉड सो गाइस चेक करें मामा की फुल लुक वाओ। वी आर गेटिंग लेट, हम लोग बहुत लेट हो रहे हैं एंड यहाँ पे अभी हम लोगों की फोटोज ही नहीं खत्म हो रही। मामा यहाँ पे बेचारी इंतजार कर रही है, ये दीदी भी यहाँ पे इंतजार कर रही है, मैं भी इंतजार कर रही हूँ। ये हीरो यहाँ पे बैठ के फोटोज क्लिक करवा रहे हैं एंड ये इसका फोटोग्राफर भी देख लें। A few moments later. मामा पापा पर हॉर्न दे रहे हैं। चलो 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 गाइस लेट्स गो। हम लोग बहुत लेट हो गए हैं, गुजरांवाले जाना है शादी, मतलब वहां पे है आज बारात। हम पहले ही बहुत लेट हो गए बट कोई नहीं, यूसुफ भाई वगैरह भी लेट ही हैं। क्या हुआ है यार तुम कहीं मतलब बहुत दूर जा रही हो। yes. ये सामान चेक करो सर कैसे पकड़ के लाइए और ये इसके लिए लाइए। इसने सबसे पहले जाना है ना वो टाइम लगा के जा रही है। चलो भागो बिलाल आजा तू लोग करेगा कि मैं ही कर दूँ। चलो ठीक है लेट्स गो। चलो चलो अभी बड़ा लंबा सफर होने वाला। ये सीट कौन सी करते हम लोग गुजरा वाले पहुंच गए। हम लोग फाइनली गुजरा वाला तो पहुंच गए लेकिन अभी हमें यहाँ पे मार्क ही नहीं समझ आ रही कि किधर जाना किधर नहीं। यही है रास्ता जगह ही नहीं। कैसा लग रहा है सबको? बहुत अच्छा। इतना कभी भी झूठ नहीं बोलती। इतना अच्छा कि पांव टूट गए यार चल चल के। इधर पार्किंग ही नहीं थी है ना। अभी बस हम लोग बारातियों के साथ अंदर एंटर होने वाले हैं। पाँव का हाल बेहाल हो गया। मेरा बेटा बिलाल पीछे रह गया पार्किंग में। बेचारे गरीब लोगों के मुंह उतर रहे हैं मैं यहाँ पे। कैसा लग रहा है आप दोनों को? ओह माय गॉड। A few moments later.
सो गाइस यहाँ पे पार्टीशन है तो यहाँ पे हम बिलाल को यहाँ पे मिलने आया बाहर यहाँ पे चेक करो लवा एंड वो वहाँ पे दूल्हा दुल्हन का शूट हो रहा है एंड ये रहे हम तीनों पीछे कोई आ ही नहीं रहा। सो गाइस यहाँ पे दूल्हा दुल्हन का शूट हो रहा है ओह माय गॉड। सो गाइस मुझे बिल्कुल स्टेज के पास जगह मिली है मामा बेचारी पागल हो गई है सदमे में एक्स्ट्रा तैयार होके आई हूं मैं भी ये जोड़ा मैं बली मैं भी पहनना चाहिए था आज पागल की तरह बेस्ट हो गया पैसे जाया कितना हमने भी पैसे इस पे लगाए हैं और ये तो चेक करें कहाँ ये गुजरा वाले नहीं हम गुजरा वाले रोटी खाने रोटी सामने मिल गई हमें रोटी बिल्कुल सामने लेके बैठे हैं दूर हो गया कुछ मिले ना मिले रोटी मिलेगी इधर ये रही मेरी प्लेट ये रही दीदी की प्लेट एंड ये दीदी खाना खा रही है एंड ये बच्ची यहाँ पे खाना खा रही है। गाइस मेरा गवाचा हुआ बच्चा मेरे लिए नान लेके आया ताकि मैं यहाँ पे पाए खा सकूँ कह रहे हम खा लेते हैं। मेरा भाई हमें ढूंढता ढूंढता बेचारा पार्टीशन है तो बेचारा घूमता घूमता आ रहा है मुस्कान तुझे इतनी खुशियाँ क्यों है मुस्कान बेचारी खुश हो रही है वीरा आ रहा है वीरा वीरे आ जा होया वीरा ओहो वीरे आपने आपने रोटी खाई है आपने रोटी खाई है आपने रोटी खाई है पाए खा रही बिलाल यही वाला देखा लेकिन पाए खाते हैं यार यहाँ पे और कुछ करने को नहीं रोटी खाओ और चलो आप खाएंगे फिर शोरबा खाने खाएंगे नहीं तो ना सही लाल आपने फूल ठंडे हो गए पर मजा नहीं आ रहा बहुत कैमरे चल रहे आज नहीं कस्टर्ड खाना दाल है दाल मैडम को बस खाने की पड़ी हुई है वो कह रही है करना तो कुछ है नहीं खाना खा लो कस्टर्ड खाना है ठंडे पाए तो अब हमने बिलाल को इधर ही बुला लिया क्योंकि काफ़ी लोगों के भाई और सारे आ रहे थे इसलिए हमने कहा तुम भी इधर आ जाओ तुम क्या उधर तो सारा अभी इधर सेल्फी लेने आ रहे यह है सारा भाभी की फुल लोग माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। यहाँ पे मामा रबिया भाभी की तारीफें कर रही है पकड़े गए एंड स्टेज बिल्कुल खाली है अभी तक। दीदी आप क्या फरमा रही हैं मैंने कहा खाली है स्टेज जाके बैठ जाओ एंड बाकी स्टेज खाली है सायरा भाभी और यूसुफ भाई हेलो कर दो बिलाल फोटोज क्लिक कर रहा है मम्मा यहाँ पे पोज बता रही है कि ये पोज मारो और ये चुच्चू देख रही है प्लीज वॉक वे को क्लियर कर दें सारे लोग चेक करो सामने
ये लोग जूतियाँ एक्सचेंज कर रहे हैं एंड इन सबको चलना भूल गए। चलना नहीं है, वो गिरी जा रही है, मैं यहाँ पे गिरी है। देखो चलो, मेरा रिपोर्ट ना करना, मैं कुछ गलत नहीं बोल रही। आप चलोगे मुस्कान मामा की जूती पहनने? चलो पहले ये लड़की कहती है घर चलो, अब कहती है जल्दी क्यों आए। इसने सलामी दे क्या देखना था, दूध पिलाई की रस्म देखनी, दूध पिलाई की रस्म देखनी। सो गाइस वो रहा वेडिंग गिफ्ट। वाह माशाल्लाह 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 बहुत प्यार है। इंशा थक गई है वैसे, अब कपड़े ऊंचे कर दिए, लहंगा उठा लिया। ओके सो मैं बैठना है शायद, मैं तो मैं बिठाने लगी हूँ। थैंक यू बिलाल घर यहाँ पे आगे लेके आने के लिए। तो मेरू आपके पांव सलामत है? नहीं यार बहुत आपके पांव सलामत, आप तो गिरते गिरते बची है बहुत बार। मुस्कान के शूज बची है बेचारी, और साथ में फोक मुझे लगा आगे। जो सब शादियों पे गिरती है वो इस बार बिल्कुल नहीं गिरी, एक भी इवेंट पे नहीं गिरी। मैं भी गिरी, रिकॉर्ड है, मतलब थोड़ा सा भी नहीं हुई। तुम लोग ही ले। चलो यार अभी 2 घंटे का सफर है ना, 2 घंटे का सफर तय करके हम लोग अपने लाहौर वापस पहुंचेंगे इंशाल्लाह। अपने घर पहुंचेंगे। हाँ जी वही ना, अपना घर लाहौर। सो गाइस नजर इज रियल, मेरा नेल टूट गया यहाँ पे। पहले मेरी फिंगर जली थी कल, आज नेल टूट गया। ऐसे भी शादी है किसी से? गाइस ये गुजरांवाला का मॉल है, हम लोग यहाँ पे भी आ गए। बिलाल लेकिन हमारे कपड़े ऐसे नहीं है कि हम बाहर निकले, बाहर कहीं पे निकलने वाली हालत ही नहीं है हमारी। किसी को ये ड्रेस है, ऐसे कौन जाता है। हमारे राय पे भी है। फिर घूम गया तो ये लड़का अभी यहाँ पे जेबीज रुका है गुजरांवाला के मॉल में, इसको आइसक्रीम खानी है। बिलाल ने लगता है वहाँ पे मीठा नहीं खाया, बिलाल अब आइसक्रीम खाने लग गए। तो गाइस यहाँ पे अभी हम लोग सब एंजॉय कर रहे हैं। बिलाल के ये चुचू आइसक्रीम खा रहे, मेरी और मामा की कोल्ड कॉफी लिया हम लोगों ने, इसने और ये शेक लिया, बिलाल ने कुकी एंड क्रीम। सो इस लड़के ने बिलाल ने पापा को भी इस काम पे लगा दिया कि पापा स्नैप्स बनाए। A few moments later. तो गाइस यहाँ पे चेक करें, मैं 700 फोन चार्ज कर रही हूँ। एंड यहाँ पे अभी हम लोग पेट्रोल पंप पे रुके हैं, मुस्कान ने स्नैक्स लेने थे तो वो मामा के साथ स्नैक्स लेने गई है। एंड अभी बस लाहौर में, आई डोंट नो लाहौर आने में कितनी देर और है, हम लोग तो अभी से लाइक थक गए हैं। मैं तो बहुत थक गई हूँ। मेहरू आप बताओ आप थकी हो कि नहीं? मेहरू तो हर जगह जाके कहती मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, बाद में कहती है मैंने कब कहा है, दूध पिलाई की रस्म देख लेते मम्मा। क्योंकि मुझे सच्ची नहीं पता था कि वो भी करते हैं आजकल भी। हाँ जी मुझे नहीं पता। नहीं आजकल क्यों नहीं करते बंदा पूछे। मैं तो बिलाल की करवाऊंगी। ओहो मैंने थोड़ी करनी है, याद आया मेरू की शादी पे। आहा मेरू की शादी पे मैंने ना कितने लाख मांगूंगी सलाम दूध पिलाई, मतलब कितने लाख हम मांगेंगे मेरू की शादी पे? मैं 20 लाख मांगूंगी। इतने कोई भी नहीं देने वाले, दे भी सकते हैं। मैं 20 लाख मांगू की दिलवाना मेरू का काम होगा। मेरू तुमने कहना अगर ना दूध पिलाई थी मैं नहीं जा रही। मेरू को मैं कहूंगी कि ना अगर ना 20 लाख मिली ना मुझे दूध पिलाई तो तू कहीं मैं जा ही नहीं रही, टाटा बाय बाय। Hours later.
सो गाइस फाइनली आई एम बैक होम। बहुत ही हेक्टिक डे था आज तो। उफ, मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई हूँ क्योंकि यार लाहौर से बारात गुजरांवाला गई है, गुजरांवाला से वापस लाहौर आए हैं। बहुत थक गया, माय बैक हर्ट्स, बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है कमर। अभी मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, लेकिन अभी हम सीधा ऊपर जाएंगे, कपड़े चेंज करेंगे, फ्रेश होंगे क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ। एंड बाकी सब भी आ रहे हैं, बारी बारी आ जाओ। How was your day? कोई बात नहीं, अगर आप ले आएंगी तो क्या हो जाएगा। नहीं, ये काम करना होता है इसलिए नहीं लाई, तो दोनों मेरी ही है, कोई बात नहीं। मम्मा हाउ वाज योर डे, मजा आया? बोर। अच्छा, मेरी माँ बोर हो गई है, आपको मजा आया? हाँ, पहले हम थोड़ा सा बोर हो रहे थे क्योंकि वहाँ पे पार्टीशन थी, बट उसके बाद हम लोगों को मज़ा आया। सो आई एम जस्ट एंडिंग दिस व्लॉग हियर, आपसे फिर मिलूंगी एक नए व्लॉग के साथ। बाय।